संगीत में मुहूर्त हो रहा है और इस फिल्म के अंदर आप लेखक ज्यादा करके लेखक डायरेक्टर दोनों होते थे, क्या कारण है और क्या कहानी है कि आप सिर्फ इसके अंदर लेखक हैं? सर आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। पहली बात तो मैं मुबारकबाद देता हूँ कि आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। और सर ये अक्षय तृतीया है आज, तो मुझे लगता है कि इससे बेहतर दिन क्या हो सकता था शुरुआत का, तो इसलिए आज शुरू किया हमने पहली बात। और दो फिल्में हैं, एक है बहू बिना घर सुना और दूसरी है जब जाएगी सासू तब आएंगे आंसू। अब चूँकि ये फैमिली ओरिएंटेड फिल्म है, फीमेल के इमोशंस की बात है, नारी के जज्बातों की बात है, तो मुझे कहीं लगा, मैंने मेरी पत्नी से कहा, कोमल जी से, कि आप इसे निर्देश करें, निर्देशक आप हों इस फिल्म के, ताकि आप जो इमोशंस को पकड़ेंगी और जिस लेवल पे आप ले जाएंगी शायद एक आदमी नहीं ले जा सकता। यही कारण है कि मैंने ये कहानी लिखी है, लेकिन निर्माता निर्देशक कोमल जी हैं। मैम आपसे जानना चाहेंगे, मुझे लग रहा है कि शायद ये भोजपुरी की आपकी बिगनिंग है, शुरुआत है, क्या इस सर की उम्मीद है कि आप इसमें इमोशन ला पाएंगे, इस जिम्मेदारी को आप किस प्रकार से निभाएंगे? पहले तो मैं नमस्कार करती हूँ मेरे भोजपुरी सारे दर्शक को। नंबर टू मैं ये बताना चाहती हूँ कि सर मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं और ये फीमेल ओरिएंटेड है, तो ये चाहते हैं कि मैं ये करूँ और मैं कोशिश भी करूँगी कि इसको पूरा, और शायद ये फिल्म देखने के बाद
जितनी हमारी बहुएं हैं, जितनी हमारी सासें हैं, शायद उनका देखने का वो पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जावे कि अब तक तो बोलते थे हमारे हिंदुस्तान में लड़कियां बोलती कि सासू या तो चंगी चाहिए या टंगी चाहिए, या तो दीवार पे टंगी चाहिए या अच्छी चाहिए। लेकिन इस फिल्म से हम ये दिखाना चाहते हैं कि सासें भी बहुत अच्छी होती है। अगर एक लड़की शादी के बाद वो अपनी माँ को छोड़ के आती है और एक नई माँ के पास आती है, एक्चुअली रियल माँ ये है उसकी, जो सासू माँ होती है, वो मन से अगर एक्सेप्ट कर ले। और जो माँ को छोड़ के आती है वो तो उसकी भाभी की माँ है, वो भी अपनी उसकी भाभी भी अपनी माँ को छोड़ के आएगी। तो ये है कि अगर लड़की तहे दिल से ये सोच ले कि ये मेरी माँ है और मुझे बेटी बन के रहना, और सेम चीज़ मैं जितनी सासें हैं जितनी माँ हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो अगर उनको एक्सेप्ट कर ले एज डॉटर, तो मेरे ख्याल में दुनिया में कोई ऐसा घर नहीं होगा जहाँ बर्तन आपस में टकराएंगे। और दुनिया में जितने पुरुष हैं वो सब सुखी हो जाएंगे, क्योंकि ना माँ की झिकझिक रहेगी ना बीवी की रहेगी। इसमें दिलीप सर आपसे जाना, दो फिल्म है, एक में आपने बहू को लेके पहला मतलब प्राथमिकता है, दूसरे में सास को प्राथमिकता दे रहे हैं आप। जी जी सर, क्या कुछ दिमाग में चल रहा है ये जरा जानना चाहते हैं, और इसमें एक्टर कौन होगा? देखिए अभी कलाकारों के काफ़ी कलाकारों से हमारी बातें हुई हैं, मुलाकात हुई है, लेकिन फाइनल चयन करना बाकी है। वो इसलिए भी है कि जब हम शूटिंग कर रहे हैं उस वक्त पे उनकी अवेलेबिलिटी है नहीं है, बहुत सारे कारण होते हैं। वो उम्मीद है कि बहुत जल्द वो भी तय हो जाएगा। और जहाँ तक दो सब्जेक्ट की बात है, तो ये इतना वास्ट और इतना बड़ा प्रॉब्लम है कि इसको एक सब्जेक्ट में आप जस्टिफाई नहीं कर सकते, इसलिए दो फिल्में कर रहे हैं जिसमें ये पूरा माजरा जो है सास और बहू का, इसको हम प्रॉपर तरीके से ऑडियंस को पेश कर सकें। क्योंकि अभी फैमिली ड्रामास तो भोजपुरी में बहुत बन रहे हैं, लेकिन एक प्रॉपर बना के हमारे श्रोताओं के पास प्रस्तुत करना, वो चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट है। सर, इसमें से कौन सा जो लिखने के लिए कौन सी चीज़ ज़्यादा चैलेंजिंग थी, बहू वाला या सास वाला आपके लिए? सर मुझे वैसे तो दोनों ही थे, लेकिन सास वाले सब्जेक्ट को जस्टिफाई करना थोड़ा सा, इसमें ज़्यादा विचार करना पड़ा, ज़्यादा शोध करना पड़ा, ज़्यादा समझना पड़ा, ज़्यादा एक विजन को यूज़ करना पड़ा। क्योंकि ऐसे ही आप कुछ भी लिख दें उसका मकसद नहीं होता। जब आप इस तरह की एक जिम्मेदारी, एक समाज में जिम्मेदारी आप निभाते हैं लेखक, तो आपको बहुत जस्टिफाई करके बताना पड़ता है। आपको ही उसमें ऐसी गलत चीज़ ना दिखाए, कोई गलत राह पे हम किसी को मिसगाइड ना करें, हमारे आने वाली जनरेशन को और हमारे जो भोजपुरी सिनेमा के जो लवर्स हैं जो हमें चाहते हैं, तो हम उनको प्रॉपर चीज़ें दिखाना चाहने के उसमें हमने पूरी, मैंने अपनी तरफ से पूरी सोच विचार धारा, बहुत सारी रीडिंग की है, बहुत सारी चीज़ों को समझा और कुछ रियल कैरेक्टर्स को भी समझा, और बाकी कुछ चीज़ें और बड़े बड़े लेखकों ने क्या कहा है उन चीज़ों को भी समझा और एक उसका निचोड़ बनाया। मैम आपसे जानना चाहूँगा, जब दो कहानी आपके पास आई, इसका निर्देशन आपको करना है, एक बहू के ऊपर है एक सास के ऊपर है, जब और सर का ये तो उम्मीद है कि ये चूंकि ये फीमेल ओरिएंटेड फिल्म है तो आप इसको ज़्यादा अच्छी तरह से कर सकेंगे, आपने कुछ इसमें संशोधन किया, आपको लगा कि नहीं ये बहू वाले में ये चीज़ थोड़ा सा अलग होना चाहिए, सास वाले में आपने कुछ करने की कोशिश की या फिर सब ओके था? एक्चुअली क्या है, मैं खुद एक बहू हूँ, सास भी हूँ, और मैं बहुत लकी हूँ कि मेरी सास भी बहुत अच्छी है। उन्होंने हमेशा मुझे बहू नहीं बेटी माना है, और वही चीज़ मैं अपनी बहू के साथ फॉलो कर रही हूँ कि मैंने उसको बहू नहीं माना, बेटी माना। तो मैं चाहती हूँ ये चीज़ें मैं फिल्म के थ्रू दर्शक तक ले जाना चाहती हूँ, ताकि वो भी ये चीज़ को समझे कि बहू नहीं, बहू को हमेशा बेटी मानो और बेटी हमेशा सास को माँ मान ले, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कुछ कहानी बताना चाहेंगे छोटे सारांश में कि बहू की क्या कहानी होगी, बहू वाला जो मेरे ख्याल से कहानी अभी मैं चाहता हूँ कि मैं नाम बताऊँ, थोड़ा सा फिल्म में दिखाएंगे। ठीक है, आज यहाँ गाने की जो मुहूर्त हुई है, गाना एक शूट हुआ, मतलब गाया जा रहा है, किस टाइप का गाना है कुछ बताना चाहेंगे आप?
मैं हाँ मैं बताता हूँ एक्चुअली इस फिल्म के गाने सब दिल इस मूड के गाने सर यानी गुलाटी साहब ने लिखे हैं गाने मैं लिख रहा हूँ इसके और मैं पूरा अपना गाना लिखता हूँ और मेरा असिस्टेंट जो है उसे ट्रांसलेट करता है और मेरे म्यूजिक डायरेक्टर हैं उनका भी बहुत सपोर्ट है वो भी बिहार के हैं तो एक क्योंकि गाने की हर लाइन बड़ी इम्पॉर्टेंट होती है और उसकी शब्दावली के साथ साथ विचारधारा भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और जब तक प्रॉपर विचारधारा नहीं होगी तो वो गाना लोगों के दिल को छुएगा नहीं तो दो गाने रिकॉर्ड हो रहे हैं एक बहुबिना घर सूना का गाना है वो उसकी एक अलग विचारधारा एक सोच लाए हैं और एक सास जो है जब जाएगी सासू तब आएंगे आंसू वो एक टाइटल सॉन्ग है जिसमें ये कि हम पूरी ज़िंदगी सास की कदर ही नहीं समझते हैं और जब वो चली जाती तो क्या होता है वो सारे इमोशंस लाने की कोशिश की है और एक नए तरीके से पेश करने की कोशिश कर रहे हैं जो मुझे लगता है कि भोजपुरी ऑडियंस पसंद करेगी। कौन से सिंगर आज दो गाना गा रहे हैं सर? देखिए अभी हमारा पहला गाना तो मनोरंजन मेल वॉइस में है बैकग्राउंड सॉन्ग है वो एक मांझी का गाना है तो वो मनोरंजन झा साहब गा रहे हैं और हमारा दूसरा गाना सास और बहू का गाना है तो उसमें सास का जो सिंगिंग का जो पोर्शन है वो हमारी बच्ची क्या नाम उनका अनु हाँ अनु पांडे जी जो हैं वो गा रही हैं सास का पोर्शन और बहू का पोर्शन अभी हम शाम तक हमारा डिसाइड होगा तो वो कल हम रिकॉर्ड करेंगे। फाइनली ये सारे जो दोनों फिल्म है कभी शूट पे जाए कुछ कैसे होता है कब शूट पे जाने वाली है ये कहाँ शूट होने वाला है सर? ये यूपी में हम शूट करेंगे और अयोध्या करेंगे हम प्रतापगढ़ करेंगे और लखनऊ करेंगे और प्रयागराज और नेक्स्ट मंथ ये हमारा जाने का प्लान है तब तक हमारे इसके सारे प्री प्रोडक्शन की तैयारियां हो जाएंगी सारे गाने हैं और डायलॉग्स वगैरह हैं कॉस्ट्यूम्स हैं सारी प्लानिंग चल रही है। मैम क्या कुछ बोलना चाहेंगे लास्ट फाइनली आप? बस सर मैं चाहती हूँ कि सब आप लोग का सहयोग मिले और मैं कोशिश करूँगी कि इस फिल्म को अच्छे से बना पाऊँ सारे फीमेल के इमोशंस ले पाऊँ उसमें और सास बहू में प्यार मोहब्बत आ जावे बस यही मैं उम्मीद करती हूँ। बोलना चाहेंगे दिलीप गुलाटी जी के ऑफिस में दो दो फिल्म का संगीत में मिल रहा है। नमस्कार मेरा नाम पप्पू खन्ना मैं कोरियोग्राफर आज बहू बिना घर सुना और एक और पिक्चर है उनके साथ ये मेरी पांचवी पिक्चर छवीं पिक्चर होगी सारी पिक्चर उनकी हिंदी से लेके भोजपुरी सब मैं ही करते आ रहा हूँ और ये पिक्चर भी वो कर रहे हैं नया कुछ कर रहे हैं फैमिली ड्रामा के लिए कर रहे हैं इसमें भी अच्छे गाने हैं पांच छह गाने तो मेरे को भी मौका मिलेगा। अच्छा अब मैंने मंजुल ठाकुर की दो करके आया वो भी फैमिली ड्रामा था सब सलीस वाली बहुरिया फिर सास और बहू ऐसे दो बहू की कहानी तो ये आजकल चल रहा है फैमिली ड्रामा का और ये नया आज हिंदी के डायरेक्टर दिलीप गुलाटी जी कुछ नया पेश करेंगे कुछ अच्छा करेंगे हम लोग भी कोशिश करेंगे कुछ अच्छा करें। कुछ चर्चाएं हुई कि आपका सहयोग किस प्रकार से इसमें होगा कुछ चर्चाएं? नहीं अभी गाने रिकॉर्ड हुए गाना सुनने के बाद फिर मैं डिसाइड करूँगा किस प्रकार होना चाहिए क्या ग्रैंजर होना चाहिए और ये तो ये काफ़ी अच्छी पिक्चर बनेगी अच्छे सब प्रोड्यूसर है डायरेक्टर अच्छे है तो कुछ नयापन हम लाएंगे सब मिलके एक टीम वर्क है वन मैन शो है नहीं एक फैमिली है हमारी दिलीप जी जैसे फैमिली जैसे हमारे जब बुला ले आ जाओ आ गए करना है कर लेते हैं कोई ये नहीं है फैमिली जैसे कामना रहेगी दिलीप गुलाटी जी के यहाँ ऑफिस में आज दो फिल्म का संगीत में मुहूर्त हुआ है क्या बोलना चाहिए? सब क्यों के नमस्कार प्रणाम हम आदित्य मोहन समस्त भोजपुरिया जहान के हमारे प्रणाम और आज ये बानी हम दिलीप गुलाटी सर के ऑफिस में आयल बानी और आज जो मुहूर्त में फिल्म के नाम बा घर बहु बिना घर सुना जे आज हमरा भोजपुरी में चल रहा बा जो पहले होता था कि भोजपुरी बहुत गंदा माहौल था हर फिल्मों को ए मिलता था चीज़ें काफ़ी सुधर गई है चीज़ें काफ़ी अच्छी हो गई हैं फैमिली माहौल है फैमिली फिल्में बन रही है और इसी में दिलीप गुलाटी सर एक फिल्म लेकर आ रहे हैं जो पूरी पारिवारिक है सास बहू के ऊपर है टाइटल ही सास बहू का है बहुत बेहतर सिनेमा बा और सर के ऊपर क्या बोल जाओ
पूरा लाइफ वो इस इंडस्ट्री को दिए हैं, बड़े बड़े दिग्गज लोगों को उन्होंने डायरेक्ट किया है, धर्मेंद्र और कितनी सारी हिंदी फिल्में हैं। सो आई फील ग्लैड, मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएँ, ग्रेट विशेज कि एक धमाल फिल्म बनाए सर, और मैडम भी इस फिल्म से डायरेक्शन कर रही हैं, इस फिल्म में वही डायरेक्शन कर रही हैं। सो उम्मीद है ये फिल्म बेहतर बनाएंगे, उम्मीद क्या, मुझे गारंटी है वो बेहतर ही बनाएंगी और ऑडियंस को मज़ा आएगा और बायर्स को मज़ा आएगा फिल्म परचेज करके। सर के साथ कुछ बातें हुई इस फिल्म में, दो फिल्म का मुरूद है, हाँ। क्या किसी एक फिल्म में आप होंगे या दोनों फिल्म में आप होंगे वाले? नहीं नहीं, ये अभी मैं नहीं कह सकता हूँ। देखिए फिल्में करना अलग चीज़ होता है और एक रिलेशन अलग चीज़ होता है। सर की मैं रेस्पेक्ट करता हूँ, सर के साथ हमारा एक हार्टली अटैचमेंट है, एक रिलेशन है काफ़ी अच्छा, गार्जियन तो उन्हें हमारे, इसलिए है काम करना नहीं करना ये अलग चीज़ें हैं। दैट्स अ सेकंड पॉइंट। शुक्रिया, थैंक यू। शुभकामना देना चाहेंगे, क्या कुछ बोलना चाहेंगे दिलीप गुलाटी जी के ऑफिस में फिल्म का संगीत में मुहूर्त हुआ है? सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे जितने भी यूपी बिहार के सब लोगों को अश्विन कौशल का प्रणाम, और भोजपुरी और हमारी जो है वो, मैं तो कहूँ एक एक हिसाब से एक नेशनल लैंग्वेज जैसी होनी चाहिए, क्योंकि है तो हिंदी और एक कल्चर पता चलता है भोजपुरी से, हमारे हिंदुस्तान की मिट्टी का, हमारे यूपी बिहारी भाइयों का, कि कितनी मेहनत लगती है, कैसा हिंदुस्तान जो, बिकॉज राज कपूर साहब कहते थे ना कि हिंदुस्तान देखना है तो आप गांव में जाके देखिए, छोटे छोटे शहरों में जाके देखिए, हिंदुस्तान वहाँ से जुड़ा हुआ है। वैसे ही हमारी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री जो है, मैं पहली बार ये कर रहा हूँ, जबकि दूसरी फिल्म है शायद, पहली फिल्म मैंने बहुत टाइम पहले की थी और उसके बाद मुझे मौका नहीं मिला और फिर हम बह गए दूसरे समुंदर में बॉलीवुड के, और आज भी बह रहे हैं। दिलीप गुलाटी साहब जो हैं, अगर आप देखें तो उनकी जर्नी वो बहुत ही लंबी रही है, और वो उन्होंने एक फिल्म नहीं बनाई, उन्होंने बहुत सारी फिल्में बनाई हैं। दिलीप गुलाटी जी, कोमल जी जो मेरी बहन जैसी हैं, भाई साहब हैं मेरे भाई जैसे हैं, और ये कोई बड़ी बात नहीं है कि मैं बड़ा चढ़ा के बोलूँ कि दिलीप गुलाटी जी ये करने जा रहे हैं, ये करने जा रहे हैं, ये वन ऑफ द फिल्म फिर कर रहे हैं, क्योंकि ये अपने आप में एक फैक्ट्री है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, बहुत ही अच्छे इंसान, इसलिए इतने साल टिके हुए हैं फिल्म इंडस्ट्री में, इसलिए एक फ़ोन पर कोई भी सेलिब्रिटी एक्टर इनके पास मिलने आता है, परिवार की तरह मिलते हैं। ये पिक्चर इन्होंने बनाई है, संगीत लॉन्च किया है, देखिए बहू बिना घर सुना, ये टाइटल अपने आप में ही बताता है कि आप अपने परिवार के साथ जाके फिल्म देख सकते हैं, यही सबसे इम्पोर्टेंट है। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है, और उड़ते उड़ते तीर मैंने भी पकड़ा है हवा में, वो कहते हैं कि आप शायद मैं भी भाग हूँ फिल्म का, अब देखिए आगे कैसे होता है। आज दिलीप गुलाटी जी के ऑफिस में दो फिल्मों का संगीत में मुहूर्त हुआ। सबसे पहले अपने दर्शकों को सादर प्रणाम, आपके चहेता अभिनेता अविनाश शाही का, और बड़ी खुशी की बात है कि हमारे चहेता प्रोड्यूसर डायरेक्टर दिलीप गुलाटी जी, गुलाटी फिल्म्स के मालिक, और उनके साथ बहुत सारी फिल्में हमने कर चुकी हैं, आप लोगों ने देखा ही होगा, जस्ट रिलीज होने वाली है ये अपना बैरी भले सजनवा हमारा, और अभी दो फिल्म की आज मुहूर्त हुई है और मुहूर्त के साथ सॉन्ग रिकॉर्डिंग चल रहा है, बड़ी खुशी की बात है। और ये अच्छे मेकर भोजपुरी के जो हैं, जिन्होंने दिलीप जी ने जितनी फिल्में बनाई है सब ब्लॉकबस्टर रही है, और उनकी एक सोच है, क्वालिटी है, जो हमारे भोजपुरी के लिए बहुत बेहतरीन है। और आज फैमिली ड्रामा का दौर चल रहा है, इसमें भी अभी उनकी दो फिल्म का जो आज मुहूर्त हुआ है, जब जाएगी सासू तो आएंगे आंसू, कमाल का टाइटल है, और बहू बिना आंगनवा सुना, बहू बिना घर सुना, सॉरी घर सुना। सर के साथ कुछ चर्चाएं हुई कि दो फिल्म हो रही हैं, दोनों में आप हैं या एक फिल्म में हैं, कुछ चर्चाएं हुई? देखिए ये हमारी एक तरह से होम प्रोडक्शन है, और यहाँ सिर्फ ये है कि करना है करना है, तो बस अब दोनों में हूँ कि एक में हूँ ये मुझे नहीं पता, ये सर को ही पता होगा, दिलीप जी को ही पता होगा। और पहली बार दिलीप सर ने इसका कहानी लिखा है, कॉन्सेप्ट लिखा है, और इसका डायरेक्शन कर रही हैं हमारी आदरणीय भाभी जी कोमल गुलाटी जी, सबसे खुशी की बात है। किस प्रकार से बॉन्डिंग आप शेयर करते हैं मैम के साथ, कोमल मैम के साथ, दिलीप गुलाटी जी के साथ? फैमिलियर है, और उनके बच्चे की तरह हूँ मैं, जब इंडस्ट्री में आया था आज से 15 साल पहले,
तब से लेकर के आज तक उनकी होम प्रोडक्शन की जितनी फिल्में हैं सब इक्का दुक्का मिस हो गया जो मैं नहीं था, बाकी सब मैं किया हूँ। शुक्रिया। थैंक यू सर। आज दिलीप गुलाटी जी के ऑफिस में दो फिल्म का संगीत में मुहूर्त हुआ है और एक में आप गाना गा रहे हैं, किस प्रकार का गाना है, क्या कुछ बोलना चाहेंगे इस बारे में? जी, सबसे पहले तो मैं जय माता दी बोलता हूँ सबको, और गुलाटी साहब जैसा कि उनका बहुत बड़ा नाम है और काफ़ी सारे फिल्में उन्होंने बड़े बड़े स्टार्स के साथ किया है, धर्मेंद्र पाजी से लेके बड़े म्यूजिक डायरेक्टर बापीदा के साथ उन्होंने काफ़ी काम किया, और अभी जो ये गाना मैं गा रहा हूँ इस फिल्म में बहू बिना घर सुना, ये घर घर की कहानी है और जब जागी ससुराल। जी जी, सासू जब के ऊपर जो है एक गाना है बहुत सुंदर कि उनकी वैल्यूज़ बताया गया है, और भैया ने इतना बढ़िया लिखा है, कंपोज किया है उसको, ट्यून सुनील जी का म्यूज़िक है। मैं गा के मैंने इनको बोला कि इतने प्यारे शब्द आपने कहाँ से ले, एकदम सच में आप जब सुनेंगे गीत को ना आपको लगेगा कि एकदम जो सासू की वैल्यूज़ है, वैसे जो रावण की भूमिका बोलते हैं लोग सासू को हमेशा रावण की तरह प्रेजेंट करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, वो जो भी सख्त रूप अख्तियार करती है अपने, उनका क्या है, वो चाहती है कि मेरे बेटे का सब भला हो, बड़ी सख्त नज़र रखती है बहू पे भी बच्चों पे भी, किसके लिए, आपके लिए ही तो रखती है, बहू के लिए रखती है। तो मैं जानता हूँ कि बहुत सारी असली चीज़ें और सही मुद्दों को लेके आए हैं गुलाटी साहब, और उसमें जिस तरह से भैया ने संगीत दिया है, जब जाई सासू तो निकले तहर आंसू, मैं सबसे यहाँ चाहूँगा सर म्यूजिक जो है किस प्रकार से है, इसे आप अलग करेंगे, क्योंकि जहाँ जब भोजपुरी फिल्म का नाम आता है, गाने का आता है, तो म्यूजिक ऑलमोस्ट 80% लगभग एक जैसा ही, लोग बोलते हैं एक जैसा ही म्यूजिक होता है, म्यूजिक में फ़र्क नहीं होता है, तो कितना चैलेंज हुआ है इस म्यूजिक के लिए? देखिए, म्यूजिक जो लोग कह रहे हैं कि एक जैसा ही होता है, अगर वो होता भी है, वो आपको भी पता है मुझे भी पता है, वो क्यों होता है वो सबको पता है, एक जैसा क्यों होता है। वो जो ट्रेंड एक बदलने का काम होता है वो हमारे आपके ऊपर होता है कि हम उसे कैसे बदलते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बहुत से ऐसे लोग आते हैं हमारे पास जो आपको बोल देंगे कि ये वो गाना देख रहे हैं ऐसा गाना चाहिए, अब लोग वो गाना सुन रहे हैं ऐसा गाना चाहिए, अरे भैया उनको आप छोड़ दो, आप जो कर रहे हैं आपको क्या चाहिए बेसिकली। देखिए, सुर सात ही हैं, 14 राग हैं, उससे ऊपर तो कुछ है नहीं, ये होता है कि आप उसे प्रेजेंट कैसे करते हैं, आपके प्रेजेंटेशन से अलग बनता है चीज़ें, जो चीज़ अलग बनती है आपको उसको बनाने से बनती है, ना कि राग तो ही चल रहे हैं भाई शिवंजी मैं भी गाऊंगा आप भी गाएंगे ये भी गाएंगे, लेकिन उसको हम किस तरीके से लेके जा रहे हैं जो अलग दिखे। अलग क्या होता है, हमारी गायकी जो होती है वो उसे अलग करती है, हमारे शब्द लोग बोलते हैं कुछ नया लिखा, नया कोई शब्द बचा नहीं आज तक, इतने लाखों गाने बने हैं कि सारे शब्द जो चाहे हिंदी हो या भोजपुरी हो सब यूज इस्तेमाल किए जा चुके हैं। सही बात, लेकिन आप उसी वर्ड को जब पिरोते हो तो गाना नया बनता है, तो जब अगर शब्द से उन्हीं बोलों से जब एक नया गाना बन सकता है, लिखा जा सकता है, तो फिर आपका कंपोजिशन जो नया क्यों नहीं हो सकता, उसका प्रेजेंटेशन जो है वो नया क्यों नहीं हो सकता, वो हमारे पर निर्भर करता है कि हम उसे कैसे ले रहे हैं, हम कैसे दे रहे हैं। मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि जो भी फिल्में करता हूँ, अगर एक फिल्म में 6 गाने हैं तो मेरी कोशिश रहती है भाई वो 6 आपस में ना मिले, तो जब 6 गाने एक फिल्म के आपस में नहीं मिलेंगे तो जाहिर सी बात है मेरी कोशिश होनी चाहिए कि दूसरी फिल्म में भी ना मिले, तो उससे हम कोशिश करते हैं कि इसे हम अलग कैसे करें। अब चूंकि दिलीप जी को मुझ पर इतना भरोसा है क्योंकि हमारा रिश्ता बहुत पुराना है, हमने पहले हिंदी फिल्में भी साथ में की है बपीदा के साथ, जब मैं राइटर हुआ करता था उस वक्त भी, फिर बाद में कंपोजर बना उस वक्त भी मैंने उनकी फिल्में की है। इनकी जो फिल्म है बहू बिना घर सुना और जब जाएंगे आंसू, जब जाएंगे सासू तब आएंगे आंसू, ये दोनों ही फिल्में जो है एक फैमिली ड्रामा के ऊपर है जो नॉर्मल चलता आया है, लोग जो है अक्सर दिखाते हैं कि सास बहू के जब भी आप देखेंगे झगड़े हो रहे हैं झगड़े हो झगड़े हैं, इसमें ऐसा नहीं है, ये अलग दिखाया गया है कि एक सास जो है वो अपने बहू के लिए क्या क्या कर सकती है और वो क्या क्या करती है, वही हम इस गाने के जरिए हम उसी बातों को बताना चाहते हैं कि सास क्या है। भाई बहू जो है अच्छी भी आते हैं बुरी भी आती हैं, अब कोई बुरी बहू आ गई है उसके लिए मैसेज है भाई, ये उसके लिए मैसेज है क्या है गाने के, बोलिए आप देखेंगे तो समझ में आएगा आपको कि भाई डाल के प्रीतिया अपन लगा दी हले जो है, एक माँ बाप जो होते हैं बचपन से अपने बच्चे को सींचते हैं पाल उसको उसे बड़ा करते हैं, जो बड़ा जो वो फल पक जाता है तो एक माली आती यानी कि बहू उसे सौंप देते हैं, अब वो अच्छी है तो उसे संभाल लेती है और ख़राब निकली तो बिगाड़ देती है, वो पूरा माहौल बिगाड़ देती है। इस गाने के जरिए हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर मुझे ऐसा लगता है कि गाने अगर जाएंगे मार्केट में और लोग इसे अप्रिशिएट करेंगे तो कहीं ना कहीं जो ऐसी बहुएँ आती हैं घर में उनका नज़रिया बदलेगा। जैसे एक फिल्म आई थी बागवान, काफ़ी लोगों की सोच बदली थी, तो हम भी कोशिश कर रहे हैं कि इस गाने के ज़रिए ऐसे लोगों की सोच बदले जो कुछ सोच लेकर आती हैं
जरूरी नहीं कि हर घर में आती है, लेकिन कुछ घर में तो आती है। 10 घर में ऐसे 2-4 घर होते हैं जहाँ से बहुएँ आती हैं, जो आते ही जो है लकड़ी खींच देती हैं, एक दीवार यहाँ खड़ी कर दो, एक दीवार वहाँ खड़ी कर दो। तो कोशिश है मेरी इस गाने के जरिए कि मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि इस तरह के जो लोग आते हैं या इस तरह की बहुएँ आती हैं, वो शायद उनका नज़रिया बदले और वो दीवार जो खड़ी करती हैं वो ना करें। पटी जी के सर के ऑफिस में 2 फिल्म का संगीत में मुहूर्त हुआ है और शायद उसमें आप गाना गाने वाली हैं, तो किस मूड का गाना होगा, क्या कुछ शुभकामना होगी? सबसे पहले तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं कि आपने आज फिर मैं सौभाग्यशाली हूँ कि वापस अपने दर्शकों से आपके ज़रिए जुड़ पा रही हूँ, और माता रानी की बहुत कृपा है। सबसे बड़ी चीज़ कि ये 2 फिल्मों का प्रोजेक्ट जो है हमारे सर, जो कि जिनको किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है और काफ़ी सीनियर हैं, श्री दिलीप गुलाटी सर जी, वो 2 प्रोजेक्ट लेके जा रहे हैं और दोनों ही एक पारिवारिक कहानी है और एक टिपिकल फैमिली है, बट जो उसकी स्टोरी है और उसकी जो चीज़ें हैं वो बहुत ही डिफरेंट है, तो बहुत ही मज़ा आएगा और मुझे काम करके बड़ा अच्छा लग रहा है। हाँ, इसमें मैं ईश्वर की कृपा अगर रही तो आप लोग को स्वर से भी थोड़ा बहुत खुश करने की कोशिश करूँगी कि 1-2 गाने गा पाऊँ और आप सबका मन मोह पाऊँ। जी मैम, क्या कुछ बोलना चाहेंगे, क्या कुछ सुनाना है? जी, सबसे पहले सबको प्रणाम, और यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगा। गुलाटी सर का 2 मूवी आ रहा है जिसमें शायद मैं भी काम कर रही हूँ, सिंगिंग में आवाज़ दे रही हूँ, तो मैं बहुत खुश हूँ कि इतने बड़े सर के पास मैं पहली बार आई हूँ और उम्मीद करती हूँ अच्छे से अच्छा देंगे। बोलना चाहेंगे दिलीप गुलाटी सर के ऑफिस? यस, हाय, हेलो, मैं हूँ शौकीन पाल सिंह, एक्टर। तो दिलीप गुलाटी सर को और कोमल मैडम को बहुत बहुत बधाई हो मेरी तरफ से, जो वो 2 फिल्म स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक फिल्म का नाम है बहू बिना घर सुना और दूसरी फिल्म का नाम क्या बताए थे? दूसरी फिल्म कौन सा? ठीक है, दूसरी फिल्म और है। तो 2 फिल्म कर रहे हैं दिलीप गुलाटी सर और कोमल मैडम जी, तो उनके साथ मैं एक्टिंग का काम कर रहा हूँ और मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई हो। और हमारे जो न्यूज़ रिपोर्टर है वो भी दिलीप जी है, तो उनको भी मेरी तरफ से बहुत बधाई है, थैंक यू। मतलब कि आज दिलीप गुलाटी जी के ऑफिस में 2 फिल्मों का संगीत में मुहूर्त हुआ है, क्या कुछ शुभकामना होगी? जी नमस्कार, मैं उपेंद्र यादव, चॉकलेटी यादव, जितने भी दर्शक हैं उन सबको मेरा नमस्कार। आज हम मुहूर्त में आए, संगीत मुहूर्त में दिलीप जी का, वो मेरे बहुत अच्छे मार्गदर्शन करते हैं, जब भी हम मिलते हैं तो नए नए एडवाइस देते हैं जैसे हम मैं आगे बढ़ सकूं, और आज यहाँ आया काफ़ी अच्छा लगा। उनकी दोनों मूवी सुपर हिट हो मेरी यही शुभकामना है दिल से। नमस्कार, मेरा नाम रविशंकर मिश्रा है, अभिनेता हूँ। दिलीप सर को और कोमल जी, कोमल मैडम जी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना। दोनों फिल्म उनकी आज मुहूर्त हुई है, म्यूज़िक का मुहूर्त हुआ है, तो आशा करता हूँ कि आप लोग फिल्म को ज़रूर देखें। और दिलीप सर इस फिल्म के लेखक भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, और फिल्म को आप लोग देखें, सुपरहिट बनाएं। और बस यही आशीर्वाद है कि आप लोग फिल्म को देखें। 2 फिल्मों का संगीत में मुहूर्त हो रहा है, क्या कुछ शुभकामनाएं होगी आपकी? नमस्कार, मैं हूँ एक्टर अभय झा। दिलीप गुलाटी जी को मैं काफ़ी सालों से जानता हूँ, मतलब ऐसा है कि जब मैंने स्टार्ट किया था करियर तब से जानता हूँ, सालों से। तो ये इनकी बहुत ही बेहतरीन म्यूजिकल फिल्म बना रही है, इसमें कोमल भाभी जी डायरेक्ट कर रही हैं और सर तो हमेशा इसमें रहेंगे ही, हैं ही, पहले उन्होंने काफ़ी फिल्में डायरेक्ट की हैं। तो इन दोनों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएँ हैं और माता रानी करे कि ये दोनों फिल्में सुपर हिट हो। वैसे इनकी हर फिल्में अच्छी ये बनाते ही हैं, म्यूजिकल हिट फिल्में होती हैं इनकी। जी सर, आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे दिलीप गुलाटी जी के ऑफिस में 2 फिल्मों का संगीत में मुहूर्त हो रहा है? हमारे तरफ से दोनों फिल्म के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू। दिलीप गुलाटी सर और कोमल मैडम को बहुत बहुत शुभकामनाएं दोनों फिल्म के लिए।